हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राधिकास आर्ट ऑफ कुकिंग। लेट्स गो फॉर टुडेज रेसिपी। गाजर का हलवा बनाने के लिए हमने लिया है 1 किलो गाजर, कद्दूकस किया हुआ, घी, देसी घी है ये मैंने घर पे बनाया हुआ, मलाई ली है मैंने दूध के साथ थोड़ी सी, और ड्राई फ्रूट्स थोड़े, और इलायची। यहाँ पर मैंने गैस पर कढ़ाई गरम कर ली है, इसमें हम डालेंगे हमारा कद्दूकस किया हुआ गाजर। इसे थोड़ा सा सिकने देते हैं, फिर इसमें हम घी ऐड करेंगे। अब इसमें हम घी ऐड करते हैं। मिक्स कर लेंगे। जब तक ये भून रहा है तब तक हम हमारे ड्राई फ्रूट्स क्रश कर लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स आप आपके पसंद के अनुसार कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि पिस्ता, बादाम, काजू, या आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। बीच बीच में से चलाते रहिए ताकि ये नीचे लग ना जाए। इसका कलर कितना बढ़िया आया है। 10 मिनट भूनने के बाद ये इस तरह बना है। इसमें हम स्टेज पर ऐड करते हैं क्रश की हुई इलायची, या फिर इलायची पाउडर भी आप डाल सकते हैं, हमारे ड्राई फ्रूट्स, और जो मैंने मलाई रखी थी दूध के साथ वो भी हम इसमें डालते हैं और इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 कटोरी शक्कर। इसे भी मिक्स करते हैं। शक्कर मेल्ट होकर ये अच्छे से पक जाएगा। इसमें और थोड़ा घी ऐड करते हैं। हलवा बनाने के कई तरीके हैं। आप गाजर को बारीक कट करके कुकर में गला कर भी बना सकते हैं, या फिर उसे कद्दूकस करके सेम प्रोसेस से कुकर में बना सकते हैं। उसे सीटी लग देने पर वो अच्छे से पकता भी है, पर ये जो तरीका है वो बहुत ही अच्छे से पक जाता है और इतना टेस्ट देता है, घी का भी फ्लेवर उसमें बहुत अच्छा उतरता है। तो ये तरीके से आप ज़रूर बना के देखिए, बहुत पसंद आएगा आपको। कुकर पे कट करके बनाने पर उसका जो कद्दूकस करने का प्रोसेस है वो तो बच जाएगा, टाइम भी बच जाएगा, लेकिन ये जो फ्लेवर देता है कि कढ़ाई में भूनने का, वो उसमें नहीं आएगा। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। इसमें आप मावा भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी टेस्ट अच्छा आता है। बस इसे 5 मिनट चलाएंगे और फिर फ्लेम ऑफ कर देंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने आप मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आपके दोस्तों के साथ शेयर भी करें। सो रेडी है हमारा गाजर का हलवा। फ्लेम कर देते हैं ऑफ और इसे हम सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। वाह, विंटर का सीजन और गाजर का हलवा, परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ हैप्पीनेस। एंजॉय।